हेलो फ्रेंड, सभी को राम राम। वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हमेशा की तरह एक बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूं, जो पैसों की बचत करेगी और किचन से लेके जुड़ी चीजें हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी रोज की वीडियो आप लोग के तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देख सके। तो आज की मेरी टिप्स और हैक्स क्या है, तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं, देरी किस बात की, तो मैं अपने चलती हूँ बहुत ही यूजफुल टिप्स की तरफ। फ्रेंड, हमारी जो यूजफुल और बहुत ही अच्छी टिप्स क्या है, ये देखिए। सब लोग ऐसी चुटपुट वाली चिमटियां लगाना पसंद करते हैं, तो क्या होता है, हमारी ये चिमटियां खराब हो जाती हैं, देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। ये देखिए कितनी, जो ब्लैक था वो पूरा व्हाइट होने के पे हो गया है। तो हमें इसको क्या करना है कि हमारी ये चिमटी फिर से नई की तरह हो जाए और हमें इसे फेंकना ना पड़े। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या करना है। तो देखिए क्या करना है, ऐसे ये देखिए, मेरे पास बहुत लोग के घर में कलरफुल नेल पेंट वगैरह होती हैं। तो क्या करना है आपको, जैसे आपको जौन सी कलर सी की, जैसे मान लिया मैचिंग का हमें ड्रेस पहनना है, मेरे पास रेड कलर का ड्रेस है, तो हमें मैचिंग की चिमटियां लेना ना बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना। तो क्या करना है आपको, बस आप क्या करो, इसमें नेल पेंट लगा के ना इसको कलर कर दो चिमटियों को। ये देखिए मैं इस पे यहाँ पे कलर लगा रही हूँ अपने, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है तो मैं रेड कलर की इसको कर रही हूँ। दोनों तरफ से इसको रेड कलर कर देना है और आपकी ये चिमटी देखने में भी अच्छी लगेगी और आपके कपड़ों से भी मैच करेगी और इसे फेंकने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए सब तरफ इसको लगा के आप इसको 10 मिनट के लिए सूखने के लिए रख दोगे ना, तो ये आपकी चिमटी पूरी नई जैसे लगेगी और आपके कपड़ों भी मैचिंग करेगी। ये देखिए मेरे पास दो चिमटी थी जो खराब हो चुकी थी, तो मैंने इसमें एक में रेड कलर लगा दिया है और मेरे पास दूसरी कलर है ये लाइट पर्पल, तो मैं इसको लाइट पर्पल में भी लगा दे रही हूँ। ये देखिए इसको जब आप अपने हेयर में लगाओगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये हमारी ओल्ड चिमटी है। मार्केट में भी ऐसी क्लिप आती है कलरफुल वाली, तो ये देखिए इसमें मैंने ये वाला कलर लगा दिया है और इसको मैं रख देती हूँ सूखने के लिए। मैंने तो ऐसे हल्का हल्का लगा दिया है, आप अच्छे से इसमें लगा सकते हो, अपने हिसाब से डार्क भी कर सकते हो। तो ये ट्रिक आप लोगों को मेरी कैसी लगी, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप ये चिमटी जो है ना इसको बिल्कुल भी मत फेंकना, आप अपने हिसाब से कलरफुल इसको बना सकते हो और बच्चों को तो कलरफुल। हमारी ये दूसरी यूजफुल वीडियो क्या है, इस चेयर को लेके है। क्या होता है, बहुत सब लोगों के घर में चेयर होती है और घर में भी बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे ना चेयर को ऐसे खींचने लगते हैं, तो इसमें चेयर में ना ऐसे खटखट की आवाज आती है, ऐसे करके आवाज आती है, तो बहुत गंदा लगता है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी और पैसे खर्च करने के लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये देखिए ये जो खटखट की आवाज आती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग यूज कर सकते हो अपने घर में। तो चलते, बहुत से लोगों के घर में ये वेस्ट सॉक्स पड़े होते हैं जिसे हम यूज नहीं करते हैं, जिसका ये इलास्टिक जो होता है ना ये फैल जाता है, जिससे हमारा ये काम नहीं आता, हम जब पहनते हैं तो हमारा ये मोजे ना नीचे आ जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यही वेस्ट मोजे यूज करना है। ये देखिए ये जो पैर होते हैं ना चेयर के, इन सारे पैरों में आपको एक एक करके सारे सॉक्स को पहना देने हैं। ये देखिए अभी मैं सारे में पहना के दिखा रही हूँ। सारे पाओ में ये सॉक्स लगा दिए हैं, अब जब आप कैसे भी खिसकाओगे इसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, कि कितना भी खिसकाओगे, तेज से खिसकाओगे, धीमे से खिसकाओगे, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। देखिए मैं पहले भी खींच रही थी और अभी भी खींच रही हूँ, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है और देखने में बिल्कुल भी खराब नहीं लगता है, अच्छा लगता है। देखिए मेरा दो जो पीछे का था वो सेम था और आगे का भी जो था वो भी सेम था, तो देखने में अच्छा भी लग रहा है, बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा है। तो है ना यूजफुल वीडियो, आप लोग की वीडियो मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलते हैं, लोगों के घर में होते हैं सबको अलग अलग तरीके का नेल पेंट लगाना पसंद होता है, तो क्या होता है हम एक साथ ना सारी नेल पेंट यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमारी नेल पेंट ना रखे रखे सूख जाती है। ये देखिए इसमें नेल पेंट तो है लेकिन सूख चुकी है पूरी, ये देखिए पूरी मेरी नेल पेंट ना भरी हुई है, इसको मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है और ये मेरी नेल पेंट ना सूख चुकी है। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें नेल पेंट निकल नहीं रहा है, अंदर से सूख गया है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये बिल्कुल आप जो पुरानी हो जाती है नेल पेंट उसको फेंकना नहीं है, आप अपने अच्छे से काम में ला सकते हो।
जो जो आपकी नेल पेंट सूख चुकी है ना, वो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने कि क्या है क्या करना है। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले ली है और गैस को ऑन कर दिया है। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं आप गलती ना कर दो। उसके कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है, ये देखिए मैंने पानी इसमें डाल दिया है, थोड़ा ही पानी डाला है। और ये पानी को ना अच्छे से गर्म हो जाने देना है। जब ये पानी गर्म हो जाए तो मैं आपको फिर अगले टिप्स बताऊंगी। ध्यान दीजिए, पानी ना अच्छे से गर्म हो चुका है, ये देखिए अंदर से दाने दाने हो गए हैं ना पानी में। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग आपके पास जितनी सारे नेल पेंट है ना, वो आप इस गर्म पानी में रख दो, किसी प्लेट में करके, जितना पानी रखना है कि ये प्लेट आपका डूबे ना। ये देखिए मैंने इसमें रख दिया है अपने सारे नेल पेंट रख के। और हाँ, ये जो लिपस्टिक होती है ना, उसको भी आप इसमें रख सकते हो जो सूख गई है। ऐसे बहुत सारे लिपस्टिक होती है ना, सूख जाती है। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी में रख दिया है, और इसको जब तक उबालना है, जब तक अच्छे से उबल ना जाए पानी, ठीक है। किसी प्लेट वगैरह से हमें इसको ढक देना है, मेरे पास इसका कवर नहीं है तो मैंने एक प्लेट से ढक दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं इसको क्या हालत है इसकी। ये देखिए मेरी नेल पेंट जो है अच्छे से उबल गई है पानी में। पानी देखिए कैसे हिल रहा है। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ कि क्या मैजिक होता है। मैंने गैस को कर दिया बंद, अब मैं इसको निकालती हूँ बाहर। किसी कपड़े से पकड़ के निकालना है, क्योंकि ये गर्म है तो आपका हाथ भी जल सकता है, सावधानी से करना है। उसके बाद हमारी ये नेल पेंट भी बहुत गर्म है, तो मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद भी आपको देरी हल्की नॉर्मल ठंडी हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कैसी मेरी नेल पेंट जो थी, जो सूखी थी ना, वो कैसे लिक्विड में बदल गई है। ये देखिए सूखी थी ना, एकदम से सूख गई थी जब मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए अब अच्छे से लग रही है। मैंने अपने नेल में लगा के दिखाती हूँ। ये वाली तो मेरी नेल पेंट ना एकदम से सूख गई थी। क्या होता है, जब पानी मेरा उबलता है ना, तो अंदर से मेरी ये जो नेल पेंट होती है ना, ये पिघलती है। इसीलिए हमारा जो सूखा हुआ नेल पेंट रहता है ना, ये लिक्विड में बदल जाता है। ये देखिए नेल पेंट हमारी अच्छे से हो गई है ना। तो आप लोग ये ट्रिक यूज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखिए मेरा ये भी सूख गया था लिपस्टिक, ये भी अच्छे से लग रहा है, एकदम से सूख गया था। ये देखिए इसको तो मैं यूज ही नहीं कर पा रही थी, इतना सूख गया था। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अपने घर में यूज करके जरूर देखना, और सूखी हुई नेल पेंट को, लिपस्टिक को फेंकने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी, आई होप तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो थी। तो जो लोग वीडियो में नए थे, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी ट्रिप्स एंड हैक लेके, बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। सभी को राम राम।